हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, देखने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा होगा। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री एंड इट्स वेरियस टाइप्स। जी हाँ, पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, जो फ्लो चार्ट है आपका बुक्स वगैरह में, पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, और जो बच्चे भी सेशन में जुड़ गए हैं वो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के भेजिए, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे इस वीडियोस के थ्रू मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ये जो सुंदर सा डायग्राम है, सुंदर सा नहीं भी है तो फिर भी ये डायग्राम जो है इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं हम। इंडस्ट्री देखेंगे, मीनिंग समझेंगे क्या होता है, प्लस इंडस्ट्रीज को थ्री कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है जी? पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी टर्शियरी इंडस्ट्री। पूरा क्लियर? फिर प्राइमरी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। हो रहा है क्लियर? कौन कौन सी? जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। ओके, आगे देखेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दो पोर्शंस में डिवाइड करा गया है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी सब पार्ट्स हैं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबली और प्रोसेसिंग। हो रहा है क्लियर? और फिर हम देखेंगे टर्शियरी, जिसको 5 पोर्शंस में डिवाइड करा गया है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। राइट, तो स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री के मीनिंग से। इंडस्ट्री होता क्या है? इंडस्ट्री रेफर टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री का काम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम क्या है? कोई भी रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में। राइट, कोई भी रॉ मटेरियल है, आधा अधूरा कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग करेंगे। राइट, उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो भी चीज करेंगे उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। दैट इज अ वर्क ऑफ अ इंडस्ट्री। राइट, तो इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट तक, और टर्शियरी इंडस्ट्रीज की हेल्प लेकर वो डिलीवर करते हैं अपन किस तक? कस्टमर्स तक, हम तक। पूरा क्लियर? अब आगे देखेंगे इंडस्ट्री को। पहला पोर्शन जिसमें डिवाइड करा गया है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब क्या है? इट कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। दो चीजें हैं यहां पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज आपके? नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, रिवर्स वगैरह हैं आपके। राइट, और आपके जो भी लैंड वगैरह हैं, सॉइल वगैरह से, तो ये सारी चीजें आपके नेचुरल रिसोर्सेज आ गए। रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज में प्लांट्स, एनिमल्स आ गए, आपके बर्ड्स वगैरह आ गए, तो ये सारी चीजों से एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्राइमरी का पार्ट है। प्राइमरी में अगर आपने 9th में या उससे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज से चीजें एक्सट्रैक्ट करता है और किनको देता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, या फिर जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है उन तक पहुंचाता है। राइट, अब इसमें भी पार्ट है, पहला है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया है। राइट, एक्सट्रैक्टिव मतलब समझिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करना। राइट, ये इजीली अवेलेबल नहीं है, इजीली आइडेंटिफाइबल भी नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसमें। जैसे कि मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, अर्थ में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, और फिश फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स में से फिश को एक्सट्रैक्ट करना। नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा रिवर्स वगैरह, उसमें से फिश को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे बेचने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्टिव का पार्ट बोलेंगे। प्लस टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल्स वगैरह जो फॉरेस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें से जब पेड़ों की कटाई करेंगे आपके लिए जो बुक्स वगैरह बनेंगे, फर्नीचर वगैरह बनेंगे, वो क्या है? एक्सट्रैक्टिव का पार्ट है। हो रहा है क्लियर? अब देखेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है। जेनेटिक में क्या आएगा? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका देखभाल करना, पालन पोषण करना, ताकि हम जो नेचुरल जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे हम चीजें क्या कर सके? जेनेटिकली आप एक्सट्रैक्ट कर सके, जैसे बर्ड्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह और एनिमल्स वगैरह। ठीक है, तो बर्ड्स वगैरह में क्या आ गया? आप सेंचुरी वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, बर्ड्स वगैरह रहती हैं, या बर्ड्स वगैरह के आप क्या पार्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, या उनके जो मीट्स के वो आते हैं, इक्विपमेंट आते हैं, आप उनसे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लांट्स वगैरह में आ गया, आप पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में आ गया, एनिमल्स वगैरह में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? बर्ड्स, प्लांट्स और एनिमल जेनेटिक का पार्ट है, जहां पर हम प्लांट्स वगैरह से नेचुरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे जेनेटिकली हम चीजों को यूज करते हैं, ताकि हम उसको भेज पाए कहां पर? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पर। राइट, आगे देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है।
इट मेक यूज ऑफ अ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का बेसिक वर्क क्या है, रॉ मटेरियल को यूज करना और उसको कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में, राइट। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें एक्सट्रैक्ट करी गई हैं जेनेटिकली या फिर नेचुरली, उनमें क्या करना है, उन चीजों को ले जाकर सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचाना है ताकि वो चीजें रॉ मटेरियल हैं उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये है हमारा काम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी में, उसके भी पार्ट है आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में और फिर कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट, जो कि हमने डिस्कस करा था, आई होप इट मेकिंग सेंस, हो रहा होगा क्लियर। फिर आता है इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सिंपल सा नाम से पता लग रहा है, इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डैम्स एंड रोड्स। इनमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसका, बिल्डिंग्स का, डैम्स का और रोड्स का, मेकिंग सेंस, हो रहा है क्लियर। तो ये थे हमारे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट देख लेते हैं, पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब इसका फंक्शन देखिए, बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। एक बेसिक रॉ मटेरियल को क्या करा गया है, डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा जाता है, ठीक है, बिखेरा जाता है और फिनिश प्रोडक्ट को कन्वर्ट करा जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में उस ब्रोकन पीसेस को कन्वर्ट करा जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो है नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह, पूरा क्लियर। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है, टू और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड, दो या दो से ज्यादा मटेरियल मिक्स करे जाते हैं टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट, और कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि सोप, पेंट्स या कॉस्मेटिक जो क्रीम्स वगैरह होती है वो ऐसे ही बनाई जाती है, दो अलग अलग पार्ट्स को मिक्स करके कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारी स्टेजेस से कोई भी एक रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड होता है और एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज, उसको रिफाइंड वे में अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है तब जाके नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, राइट। आगे है असेंबली इंडस्ट्री, वेरियस फिनिश प्रोडक्ट आर कंबाइंड, फिनिश प्रोडक्ट बन चुके हैं उनको कंबाइन करा जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। आपने कार्स वगैरह देखी होगी, आपने मोबाइल फोन्स वगैरह, ऑटोमोबाइल वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह, वहां पर क्या होता है, आपके पार्ट्स बन जाते हैं, अलग अलग जगह बनते हैं आपके पार्ट्स, उन सब पार्ट्स को मंगाया जाता है और एक पार्ट्स मतलब एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। आपके जो बाइक्स वगैरह हैं, राइट, ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर आपके मोबाइल फोन्स हैं, उनमें बैटरीज कहीं और बन रही है, कैमरा कहीं और बन रहा है, अलग अलग जगह से वो मंगाया जाता है और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर आपको डिलीवर करा जाता है, राइट। ये होती है हमारी असेंबली इंडस्ट्रीज, राइट। तो यहां तक हमारा पूरा पार्ट्स क्लियर हो चुका है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। अब बढ़ते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री का फंक्शन क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद करती है, राइट। प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री ने चीजें तो एक्सट्रैक्ट कर ली, उनको सेकेंडरी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा टर्शियरी इंडस्ट्री। और सेकेंडरी ने जो चीजें प्रोड्यूस कर ली है उनको कस्टमर तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब पहला देखते हैं टर्शियरी में, ट्रांसपोर्ट। अब मुझे आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत कहां पड़ेगी। मान लीजिए फार्मर्स ने चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली है, राइट, जो एक्सट्रैक्शन वाले बंदे थे उन्होंने चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली है, नेचुरली करी है, जेनेटिकली करी है, वहां पर क्या होगा, वो चीजें जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन आपका काम में आएगा। फिर है बैंकिंग। अब ये ट्रांसपोर्ट वाला बंदा जो गाड़ी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, क्या वो फ्री में काम करता है, उसको पैसों की जरूरत है, तो अगर पैसे की कमी पड़ती है आपके पास तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर चीजों को फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए नई नई मशीनरी लाने के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए, वो पैसों का अरेंजमेंट आपको बैंकिंग प्रोवाइड कराती है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन। आजकल कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो पाता, इन्होंने चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली है जेनेटिकली या नेचुरली, अब ये फोन करके बता देंगे सेकेंडरी वाले इंडस्ट्रीज को कि हमारे पास आ जाइए, हमने चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली है, आप हमारे पास से ले जाइए। पहले क्या होता था, इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में आते आते बहुत टाइम लग जाता था और वही टाइम सेकेंडरी में जब प्रोसेस्ड होता था वही कस्टमर तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाता था। कम्युनिकेशन फैसिलिटी ईजी और फास्ट होने की वजह से अब ये जो प्रोसेस है उसके बीच में टाइम गैप कम आ रहा है, राइट। आगे देखेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, गुड्स जब आप भेजते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से
आप कस्टमर तक भेज रहे हैं, इंडस्ट्रीज से कस्टमर तक भेज रहे हैं, जब आपका प्रोडक्ट बन चुका है, अगर गुड्स का इंश्योरेंस है तो आपको कंपनसेशन मिल जाता है एक अच्छा खासा, ताकि आपको लॉसेस वगैरह ना हो। इंश्योरेंस क्या करता है, अभी गुड्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि अगर कोई भी चीज़ें हो जाती है, फायर हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है, कोई चोरी हो गया, गिर गया, टूट गया, जिसकी वजह से आपका गुड्स को नुकसान पहुंच रहा है, अगर आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका अच्छा खासा कंपनसेशन या पैसा दे देती है, राइट। ये है इंश्योरेंस का काम। फिर आता है एडवर्टाइजिंग। आपका प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बन के तैयार हो चुका है, आपने प्राइमरी से मंगवा लिया था, टाइम पे बना लिया था, अब पड़े पड़े लोगों को तो उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट रेडी है और हमारा प्रोडक्ट दुकान में आ गया है, आप दुकान जाके हमारा प्रोडक्ट लेके आइए। उसके लिए आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा टीवी में, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, अलग अलग जगह, ताकि लोग आपके बारे, आपके प्रोडक्ट के बारे में जनरल नॉलेज ले पाए, अवेयरनेस फैल पाए, और ताकि आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जब उनको मिल जाएगी तो अपने आप ही वो दुकान में अप्रोच करेंगे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा, राइट। हो रहा है क्लियर? तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था हमारी गाड़ी, क्योंकि ये लंबा टॉपिक कम समय में कंप्लीट करना था। यही टॉपिक को 2 घंटे में भी एक्सप्लेन करा जा सकता था, लेकिन मैंने 12 से 13 मिनट या 15 मिनट का ये वीडियो जितने का भी है उतने में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये थे इंडस्ट्रीज के पूरे टाइप्स जो मैंने जल्दी जल्दी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, प्लेलिस्ट चेक ऑन कर लीजिएगा आपको अगर और भी कोई वीडियोस देखने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।